नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा। दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो, तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। चीनी से 300 गुना मीठा, पर शुगर नहीं होने देता यह फ्रूट। मिठास का कारोबार, दौलत बेशुमार। पेट्रोल वाला पावर टिलर खरीद कर बोले किसान, पॉली हाउस में तो बैल नहीं चलेगा ना। कृषि और बागवानी की नई नई जानकारियों और खबरों का ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं शिवालिक एग्रो इंजीनियर्स पंचकुला और सोलन। बागवानी और कृषि के आधुनिक उपकरणों के लिए हिमाचल के किसानों का जाना पहचाना और विश्वसनीय नाम। कृषि व बागवानी उपकरणों की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं कैप्टन अनिल कुमार गुप्ता से, मोबाइल नंबर 9816075144। और अब समाचार विस्तार से। भारत में शुगर एक ऐसी व्याधि है जिससे हर इंसान खौफ खाता है। शुगर से बचने के लिए आए दिन लोग आपको नए नए उपाय करते मिल जाएंगे, लेकिन इस बार शुगर का पक्का इंतजाम खोज लिया है। CSIR पालमपुर के वैज्ञानिकों ने चीन में पाए जाने वाले मॉन्क फ्रूट को स्टीविया की तर्ज पर मिठास के विकल्प के तौर पर तैयार किया है। कहने को मॉन्क फ्रूट चीनी के मुकाबले करीब 300 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन यह शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक है। बताया जाता है कि इसे देश के बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो जहां स्टीविया में थोड़ी कड़वाहट होती है, वहीं मॉन्क फ्रूट का स्वाद अधिक मिठास भरा होता है। खास बात यह है कि पेय पदार्थ पके हुए या बेक्ड भोजन में प्रयोग किए जाने के बावजूद इसकी मिठास कायम रहती है। चीन में इसे सर्दी, खांसी, गले के रोगों के इलाज में प्रयोग किया जाता है, जबकि खून साफ करने में भी इसकी अहम भूमिका है। मॉन्क फ्रूट में और क्या खास है, आइए सुनते हैं CSIR के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार क्या कह रहे हैं। जैसा आपको पता है, मीठा सबको पसंद है। इस समय जो मीठे का जो स्रोत है, जो हम सब कंज्यूम करते हैं, वो है चीनी। लेकिन चीनी के साथ दिक्कत है कि ये एक तो वजन बढ़ाती है, और दूसरा जो डायबिटिक्स हैं या जो शुगर के मरीज हैं, उनको चीनी खाने में दिक्कत होती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है जिसको हम मॉन्क फ्रूट कहते हैं। ये मॉन्क फ्रूट चाइना का पौधा है और हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता। हमारे संस्थान का प्रयास रहा कि इस मॉन्क फ्रूट को हम अपने देश में इंट्रोड्यूस करें। इसके लिए हमने NBPGR के माध्यम से इसके बीज अपने देश में मंगवाए और उनकी देखरेख में अभी इसकी खेती की जा रही है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि मॉन्क फ्रूट है तो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्लांट, इसके जो फल है, इसके फल के अंदर, पल्प के अंदर बड़ी मिठास होती है, और ये जो मिठास है ये चीनी से करीब 300 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन अभी हमारे देश में या कहीं पर भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि इस क्रॉप को उगाया कैसे जाए और फल कैसे तैयार किए जाएं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसको, फल को उगाने की और साथ ही साथ फल तैयार करने की पूरी विधि तैयार कर ली है। और हमारा प्रयास है कि अगर हमें NBPGR से परमिशन मिल जाती है तो हम अगले साल तक इसको हिमाचल में जहाँ जहाँ ये क्रॉप हो सकती है हम इसको बिल्कुल फैलाएंगे। इससे किसानों के पास एक आय का दूसरा साधन होगा, और हमारी जो उम्मीद ये है कि किसानों की आय जो इस समय 30,000 से 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होती है गेहूं और ऐसी ऐसी फसलों को उगाने से कम इनकी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो सकती है। किसान बागवान चाहे तो मिट्टी को सोना बना दे, उन्हें बस एक मौका मिलना चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ऊना जिला के तहत बंगाना उपमंडल से जसाना गांव निवासी दौलत राम ने। दौलत राम ने मधुमक्खी पालन से कामयाबी की इबारत लिख दी है। वह साल में करीब 10 टन शहद बेचकर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी माटी बुलेटिन के लिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी ने दौलत राम के फार्म का दौरा किया। इस दौरान दौलत राम पिछले 22 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वर्ष 1997 में मौन के 2 डिब्बों से यह कारोबार शुरू किया था। कड़ी मेहनत के दम पर वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज उनके पास मौन पालन के 350 डिब्बे हैं। इन मधुमक्खियों को ऐसे स्थानों पर ले जाया जाता है जहां पर फूल होते हैं। इन्हीं के चलते अग्रणी ग्रामीण मधुमक्खियों को मौसम के अनुसार हिमाचल, हरियाणा व राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं। साल भर में करीब 10 टन शहद पैदावार होती है। बहरहाल दौलतराम उन सैकड़ों युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं जो नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं।
मैं मधुमक्खी का काम 22 साल से कर रहा हूँ। पहले थोड़े बक्से थे, अब मेरे पास 350 बॉक्स है, 350 बॉक्स है। इस काम के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के उपरांत अब मुझे इसमें से रोटी ठीक मिल रही है। तकरीबन 8-9-10 लाख का मैं काम करता हूँ, जिसमें से आधा मैं खर्चा रख लेता हूँ कि चलो आधा खर्चा है, आधा मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं यही प्रेरित करता हूँ किसान भाइयों को, भाई ये बढ़ चढ़ कर काम करें, और ये फसल के लिए पॉलिनेशन जो है ना, इस मधुमक्खी से पॉलिनेशन का काम बहुत ज़रूरी है। ये तो हम शहद के लिए बैठे हैं, जो आदमी सेब पर जाते हैं तकरीबन 1000 रुपया बक्से का वो किसान भाई हमें देते हैं, मधुमक्खी का देते हैं। पर हम इसलिए वहाँ पर नहीं जाते कि हमारा यही खर्चा पूरा हो जाता है, तो हम ज़्यादा ना उध उध जाते हुए यहीं पर। ये जो मधुमक्खी का काम करते हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा बी कीपर जो हैं वो सेब पर जाते हैं, और हम यहाँ पर रहते हैं क्यों, यहाँ भी फसलें काफ़ी हैं, पॉलिनेशन फसल पर पॉलिनेशन हो रहा है। जो पॉलिनेशन हो रहा है उससे फसल बढ़ रही है, किसान को भी, किसान की आमदनी भी बढ़ रही है, हमारी भी आमदनी भी बढ़ रही है। तो ये मतलब बढ़ चढ़ कर, मैं तो यही कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर जितना भी किसान भाई इसका काम सीखें बहुत बहुत ही बढ़िया है। आधुनिक बागवानी और कृषि के क्षेत्र में शिवालिक एग्रो इंजीनियर्स हिमाचल के किसानों का सबसे विश्वसनीय नाम बनकर उभरा है। पिछले 23 साल से किसान बागवानों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी तौर और उच्च क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध करा रहे शिवालिक में एक ही छत के नीचे आधुनिक कृषि से संबंधित सारे उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। इन उत्पादों में छोटे पॉली हाउस से लेकर बड़े ग्रीन हाउस, नेट हाउस, मल्टीफिल्म शेड नेट, इंसेक्ट नेट, कार्नेशन, स्पॉट नेट, एंटी हेल नेट, ग्रीन हाउस एक्सेसरी, स्प्रिंकलर व ड्रॉप इरिगेशन उपकरण, पावर टूल, टिलर, बीटर, ब्रश कटर और चेनसा के विस्तृत रेंज उपलब्ध है। और यहाँ पर इम्पोर्टेड सीडिंग प्लग्स फॉर रोपाई के लिए शॉक ट्रांसप्लांटिंग भी मौजूद है। इसी तरह बेहतर कोकोपीट, ग्राफ्टिंग, चाकू प्रूनर्स के अलावा सॉइल एंड सॉप ट्रीटमेंट की सुविधा भी है। वहीं बड़ी नर्सरी बैग, पॉलीफिल्म्स और ड्रिप व मल्च नेट बैम्बू कैंपस किसान बागवानों के लिए मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जमाना बदल गया है तो फिर पहाड़ का किसान क्यों ना बदले। पहले पॉली हाउस आए, फिर पावर टिलर, लेकिन वे पावर टिलर डीजल से चलते थे, भारी इतने कि किसान का पुर्जा पुर्जा हिला देते। यह तो थे आज से 5 साल पहले के हालात। अब मौजूदा समय का हाल सुन लीजिए। हल चलाने के अलावा क्यारी और मीट भी पावर टिलर से बनती है, नाली भी पावर टिलर खोद देता है। मंडी जिला के बलघाटी के किसान रमेश से जब पावर टिलर अपनाने का कारण पूछा तो वह तपाक से बोला, बाबूजी पॉली हाउस में बैल तो नहीं चलेगा ना। तो सराची पावर टिलर है ना, मैंने पहले भी रखा था, अब मैंने पहले डीजल वाला रखा है, अब मैंने पेट्रोल वाला रखा है। मेरी जो छोटी मोटी जमीन है उसको मैं इससे ही चलाता हूँ और बहुत अच्छा है। तो आप सब्जियां वगैरह इसी से लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसी से। तो ये अब जो पेट्रोल का जो नया आया है ये तो बहुत अच्छा है अब डीजल से। खैर, पेट्रोल से चलने वाले पावर टिलर या बीडर किसानों को खूब भा रहे हैं। तो मंडी जिला के नीरचौक में एक से बढ़कर एक हाईटेक मशीनें हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी टीम हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लूनापानी के शोरूम पहुंची। इस दौरान कंपनी के एमडी मोहन सिंह गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल में सराची पावर टिलर बेटर जो है इस टाइम सबसे ज्यादा धूम मचाई हुई है। पहले इसमें बड़े आते थे 14 HP के, 12 HP के, और डीजल वर्जन में भी आते थे, लेकिन अब इस वक्त जो है पेट्रोल में सबसे ज्यादा चल रहा है, जो जिसका वेट भी कम है और किसान इसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है। और गवर्नमेंट में हमारे सराची पावर टिलर वीटर रेट अप्रूव्ड है, जिसके ऊपर सब्सिडी भी है। एग्रीकल्चर से 25,000 रुपये से इसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है, हॉर्टिकल्चर से 50% मिल रहा है, और लोग इनको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आखिर इस सप्ताह मौसम क्या गुल खिलाने वाला है? किसान बागवानों को राहत मिलेगी या फिर आसमान से आफत बरसेगी? खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नौणी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट। हमारे प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम परिवर्तनशील बना है और आगे भी ऐसी संभावना है कि 2-3 दिन मौसम परिवर्तनशील ही रहेगा। हालांकि ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, परंतु परिवर्तनशील रहेगा, कहीं कहीं बादल रहेंगे और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सेब के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि हमें अब थोड़ा सा शुष्क सा मौसम चाहिए,
क्योंकि काफ़ी बारिश है, नमी बहुत अच्छी है। अगर अच्छा, अगर आगे के लिए मौसम थोड़ा सा शुष्क रहेगा तो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो और आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारा दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर है। ये जो इस टाइप का जो अंतर रहता है, जो ज़्यादा अंतर रहता है, ये फसलों के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसके लिए कोई ना कोई नुकसान फसलों को होता है। जैसे आप मटर की फसल लें, आजकल मटर चले हुए, तो पिछले जो दिनों में जो मौसम रहा उसकी वजह से मटर में कम फ्लसिस आई, यील्ड इसमें कम हुई है। अगर आप सिरमौर वाले एरिया में देखें तो इसमें जो आजकल अदरक की बहुत प्रमुख फसल है, उसमें भी पानी खड़े होने से कई सड़न रोग लगे हैं। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो आपके मटर आजकल खेतों में लगे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा अगर ड्राई मौसम आएगा तो उसमें एकदम पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होने की संभावना होती है। तो किसान भाई बहन एहतियात बरतें, और ऐसा उनको लगे तो जो भी रिकमेंडेशंस हैं, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की तरफ से, तो रिकमेंडेशन के हिसाब से स्प्रे जरूर करें और एहतियात जरूर बरतें, और वीडिंग जरूर करते रहें, क्योंकि इन जो भी बारिश होती है इससे एकदम खरपतवार आते हैं, तो खरपतवार निकालते रहें। तो किसान भाई इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। और अब चलते चलते कोटखाई और ठियोग थाने में बागवानों ने दो अड़तियों पर दर्ज करवाया केस, लाखों रुपए फंसे। वैज्ञानिकों की सलाह, तूनी सफेदा खैर के पौधों की क्यारी बनाने का सही वक्त। और इस बार आम की पैदावार में भारी गिरावट की आशंका, मौसम की बेरुखी से कम हुई फ्लावरिंग। और अब वक्त हो गया है किसान भाइयों के मनोरंजन का, तो आइए देखते हैं ये हिमाचली गीत। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।